ये है दिल्ली दर्पण। उत्तराखंड की धार्मिक नगरी में स्थित परमार्थ आश्रम सप्तऋषि घाट भारत माता मंदिर के पास हरिद्वार में हर वर्ष की भांति इस बार भी पवित्र गंगा नदी के तट पर महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया गया। नीदरलैंड से आए इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च एंड अवेयरनेस फाउंडेशन के प्रमुख महर्षि केशवानंद महाराज ने गुरुवार शाम 7 बजे वैदिक मंत्रों के साथ रुद्री पाठ का जाप कर रुद्राभिषेक की प्रक्रिया शुरू की और ये पूजा सुबह 5 बजे तक चली। उन्होंने बताया कि विशेष शिव पूजा में 1400 किलो ताजे फूल, 201 किलो शुद्ध देसी घी, 501 लीटर ताजा गाय का दूध, 501 बेलपत्र, धतूरा और भांग के पत्ते, 201 लीटर ताजा दही, 101 किलो शुद्ध शहद, 101 किलो बासमती चावल और 101 किलो मिश्री का उपयोग करके महाशिवरात्रि रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर पवित्र गंगा नदी की दिव्य रेत से लगभग 3 फीट के 12 हस्त निर्मित शिवलिंग तैयार किए गए। प्रत्येक शिवलिंग को फूलों से सजाया गया। शिवरात्रि का पर्व है, इसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। वैसे तो साल में हर महीने में 2 शिवरात्रियां आती हैं, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में जो आती है, इस शिवरात्रि के बहुत सारे महत्व हैं इसमें। सबसे पहला तो यह है कि भगवान शिव ने आज के दिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। तो हम अगर जो भगवान शिव की जो पूजा करते हैं लोग, गृहस्थ जीवन जिसको सुख शांति समृद्धि चाहिए, आज के दिन भगवान शिव की जो पूजा करता है तो उसको घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। महर्षि केशवानंद महाराज जी देशवासियों की सुख शांति के लिए कई वर्षों से महाशिवरात्रि पर्व पर हरिद्वार गंगा तट पर रुद्राभिषेक करते आए हैं। इस वर्ष सैकड़ों भक्तगण भगवान भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुँचे और महर्षि केशवानंद महाराज जी ने सभी शिष्यों को आशीर्वाद दिया। आचार्य मदन जी, श्री रोहित सिंगला जी, श्री राजकुमार बालिया जी का साथ मिला। भगवान भोलेनाथ की कृपा पूरे बेगमपुर पर बनी रही। सनातन धर्म को बुलंदियों पर ले जाने के लिए स्वामी केशवानंद जी का बहुत बहुत आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।